सच में गाइस कुछ अच्छे कर्म किए हमने कि इसको कुछ नहीं हुआ। हाँ यार देखो तो इसको ना हल्का हल्का नीला नीला सा पड़ गया भाई, इस हल्की स्वेलिंग भी आ रही है इसकी। ये जो गमला है ना मेरा ये वाला, इसने बचा दिया इसको। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से हो गई एक नई सुबह की शुरुआत। और गाइस अभी आप चाचू को देख रहे हैं, इसकी मुंह में लगी हुई क्रीम देख रहे हैं। एक्चुअली गाइस ये दवाई है, और दवाई किस चीज़ की बता दूं गाइस अभी आपको मैं, क्या किया है इस बंदे ने, साइकिल लेकर के ना ये यहाँ से कूद गया है। और अब ये देखिए ये जो गमला है ना मेरा ये वाला, इसने बचा दिया इसको। अभी जस्ट मैंने इसको दोबारा से ठीक किया, अभी पूरी मिट्टी मिट्टी कर दी इसने। मतलब क्या इसने क्या किया, साइकिल लिया अपनी और सीढ़ी से नीचे को चले गया। और भाई साहब जो भड़म भड़म की आवाज़ आई है, उसकी रोने की आवाज़ आई है, मैं तो एकदम हुआ था एकदम उठ करके भाग करके आया मैं यहाँ पर को, और देखा तो बंदा फिर रो रहा है गजब तरीके से। है ना चाचू, कहाँ लगी, सीढ़ी में लगी, किससे लगी, नीचे गिर गया था। ओहो ये मुंह में क्या लगा रखा, दुआई लगाई, किसने लगाई दुआई, पापा, पापा ने लगाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। हाँ दो नानी, हाँ ठीक है, अच्छे बच्चे नहीं रोते ना। हाँ चलो शाबाश, तो बहुत दमदार बच्चा है ना। सच में गई कुछ अच्छे कर्म किए हमने कि इसको कुछ नहीं हुआ। मतलब अभी तो फिलहाल हल्की फुल्की चोट दिखाई दे रही है, खाली थोड़ा सा गाल में लगी है इसकी, क्योंकि ऐसे मुंह के बल गिरे ना आके, तो क्रीम लगा दी हमने इसके, तो ठीक हो जाएगा है ना चाचू। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सो चलिए गाइस मैं जा रहा हूँ नहाने धोने के लिए, नहाते फटाफट से रेडी वेडी होते निकलते अपने ऑफिस के लिए। चलिए गाइस फाइनली नहा धो के हो गया हूँ तैयार एकदम बढ़िया तरीके से, चलते गाइस पहले पूजा पाठ वगैरह करते, नाश्ता वाश्ता करके फिर निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। और भाई बाहर का मौसम देखिए आप गाइस, कल से ज्यादा धूप हो रही है आज तो। क्या हुआ चाचू, यहाँ पे दर्द हो रही, ओहो दिखाओ। हाँ यार देखो इसको ना हल्का हल्का नीला नीला सा पड़ गया भाई, हल्की स्वेलिंग भी आ रही है इसकी। चाचू सूजन आ रही ना यहाँ पे, दर्द हो रहा है, दबाने में दर्द हो रहा। ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ चलो पूजा करने चलते हैं, चलो। तो गाइस मम्मी जी अभी जस्ट गई है पूजा करके, तो पहले पीठा लगाते हैं फिर हम भी कर लेते हैं। जय हो हनुमान जी, आज ये बच्चा हमारा सीढ़ी से गिर गया था, आपने इसको बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान जी। है ना चाचू, भगवान जी ने बचाया ना। ये था सोच ले गए, इस पूजा पाठ समाप्त हुई, अभी अगरबत्ती हम कहाँ जलाएंगे चाचू, तुलसी पेड़ ना। हाँ चलो फिर शाबा। अबे अबे कैसे दौड़ लगा रहा, आराम आराम से। हाँ शाबाशी हो प्रभु। सो चलिए गाइस फाइनली हो गई पूजा पाठ समाप्त हमारी, सो चलते हैं अब नीचे नाश्ता वास्ता करते हैं फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। और गाइस अचानक से ना बड़ी अच्छी हवा चलने लगी ठंड ठंडी सी एकदम, उसको देखो ये क्या है चाचू, कहाँ चीटी, अब बताओ जरा इस चीटी के पीछे पड़ा हुआ है, क्या करोगे चीटी का मिल गई तो। हाँ चीटी तो है लेकिन मिल गई तो करोगे क्या, क्या रख दोगे। अच्छा गाइस अब देखिए यहाँ से गिरा है और ये इस गमले के वजह से बच गया, इस गमले को मैंने अभी ठीक किया फिर से, और देखिए पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है यहाँ पे। भाई साहब चाचू हो गया, चीटी चली गई, आओ चले नीचे चले और नाश्ता करेंगे। हाँ आराम आराम से ना। हाँ और गाइस यहाँ गिरा हुआ था बिल्कुल नीचे, इतने ऊपर से गिरा है यहाँ पर। चाचू ये कहाँ गिरा था, यहाँ यहाँ पर गिर गया था, किससे, साइकिल से। ओहो आज नाश्ते में है दूध रोटी, अन्नी कुत्ते का बच्चा खाएगा दूध रोटी, पी ले खा ले, इसको कोई भी खा सकता, तू भी खा सकता है मैं भी खा सकता हूँ, ठीक है हम दोनों के लिए। ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय चलते हैं। ओके प्रणाम, खूब डबल लेकर, खूब डबल लेकर के आना, कहाँ से, ये बीच में जा रहा हूँ क्या मैं। आ क्या खाओगे, चिप्स आ, केक आ, सब खाओगे आ, पक्का बर्बाद तो नहीं करोगे, ठीक है डन हो गया, ओके बाय। ओ मेरे कुत्ते का बच्चा आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया, हनी टॉफी, हनी के लिए टॉफी लानी है, ठीक है ठीक है चाचू बाय बाय बाय। सो लेट्स गो टू द ऑफिस। सो गाइस पिछला व्लॉग तो आपने मेरा देख ही लिया, और आपने देखा कि मेरे एक साथ दो व्लॉग आए,
और गाइस एक साथ दो व्लॉग आने का एक ही रीजन था कि मैंने को लगा कि यार बार बार नहीं फिर वो व्लॉग पेंडिंग रह जाता है। मैंने कहा एक साथ ही दोनों को एडिटिंग करके एक साथ ही अपलोड कर देता हूँ, तो फिर इससे गाइस मैंने ऐसे ही किया। लेकिन थोड़ा सा लेट आया था शाम के टाइम पे, क्योंकि दो व्लॉग एक साथ एडिट करने थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया गाइस। फिलहाल गाइस मैं निकल पड़ा ऑफिस की तरफ और मौसम थोड़ा सब ठीक हो गया, मतलब हल्की हल्की बादल लगने लग गया अब। और गाइस जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको कि अगर ऐसे मौसम रहा तो मैं जा सकता हूँ अल्मोड़ा और रानीखेत, तो देखते हैं गाइस कल के मौसम पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर ऐसे ही मौसम रहा बढ़िया वाला तो मैं निकल जाऊंगा। तो चलिए गाइस फाइनली चलते हैं कैंट के अंदर और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और गाइस जब मौका मिलेगा तो बात करेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। तो चलिए गाइस फाइनली हो गई मेरी कैंट से गाइस वापसी, लेकिन गाइस यहाँ लगा है बड़ा लंबा चौड़ा जाम, रीज़न की गाइस अभी ट्रेन आ रही है इसीलिए। तो भाई कल की तरह ना हो जाए भाई, सच में कल का व्लॉग गाइस आपने देखा ना क्या हुआ था कल। सो चलिए गाइस चला जाए, और भाई यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा जाम लग गया आज। सो चलिए गाइस निकल के आ गया मैं। गाइस मैं भी न्यूज़ देख रहा था ना, मैंने चार पाँच जिलों में अलर्ट बताया हुआ है बारिश का, और गाइस कल मैं रानीखेत अल्मोड़ा जाने की सोच रहा हूँ और बताया गाइस अलर्ट बता दिया। और वैसे गाइस मौसम तो हो रहा है बारिश का भी। सो चले गाइस फाइनली पहुंच गया घर की कॉलोनी में, और गाइस ये पहुंच गया घर। सो लगाते हैं स्कूटी अंदर, पता नहीं चाचू उठाया सोया है अभी। चाचू आयशाश देखो, चाचू चेहरा देखो, देखो लाल लाल हो गया ना, दर्द हो रही यहाँ पे, दर्द हो रही। ओ मेरा हनी मेरे कुत्ते का बच्चा। चाचू मैं क्या लाया, ये क्या है, ये इडली, ये लो इडली, हाँ ये लो इडली, हाँ। सो चले गए, इस घर आने के बाद मैंने चेंज वेंज किया ही था, मैं गई थोड़ा सा लेटा था चाचू के साथ में ना, तो मुझे बड़ी गंदी सी नींद आ गई और चाचू सो गए अंदर। और गई बाहर का मौसम देखिए आप, एकदम से जो है धूप गायब हो गई है और खतरनाक वाले बादल आ गए। तो गाइस मैं पिछले दो तीन दिन से बोल रहा हूँ कि मुझे रानीखेत निकलना है, अल्मोड़ा निकलना है, और गाइस फाइनली कल शनिवार को मेरा प्लान बन रहा है जाने का, लेकिन गाइस जैसे मौसम हो गया है पता नहीं कैसे जा पाऊँगा। फिलहाल गाइस मम्मी जी बुला रही है खाना खाने के लिए, इसमें इतने अमरूद लग गए कि टहनी टूट गई इसकी, बताओ। सो चले गाइस खाना खा लेते हैं। और गाइस आज मम्मी जी ने बनाई है पकौड़ी वाली झोली, तो गाइस बहुत टेस्टी लग रही देखने में। तो और गाइस इसके साथ साथ में है टकिया और साथ में लाल मिर्च। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस मैं खाना खाने बैठे था, मुझे चाचू की आवाज़ आ रही है। हाँ चाचू क्या हुआ, अरे उठ जा, हाय अब क्यों रो रहा फिर चाचू, ये तो बाहर ही खड़ा था मैं। चाचू कहाँ थे, ये बाहर थे ना। हाँ आज ये भी सोच रहोगे यार क्या हद दिन जा रहा मेरा आज, सुबह से रोने में ही है, पहले सीढ़ी से गिर गया उसके बाद अब रोने में है। और भाई साहब बाहर का मौसम देखिए आप, बारिश पड़ने लग गई है और बादल गरज रहे बड़े बुरे वाले है ना चाचू। वो जो बारिश आ गई पानी है ना, चलो नीचे नीचे चलो 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 खाना खाएंगे, हाँ तो खाएंगे ना है ना, चलो। सो चले गए फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ खाना वाना खा करके, और बढ़िया वाली मम्मी जी ने झोली भात बनाया था। और गाइस आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा ना, तो मैंने यहीं पर ही बैठ के उसको एंड किया था छत में। और गाइस छत में आने का रीज़न कि थोड़ा देखने आया था कि मौसम कैसा है, तो गाइस देख सकते हैं आप पहाड़ों की तरफ बिल्कुल मौसम खुल चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। और गाइस पिछले तीन चार दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रानीखेत अल्मोड़ा जाना है, रानीखेत अल्मोड़ा जाना है, लेकिन मौसम की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। तो अगर गाइस कल मौसम अगर ठीक रहा ना, तो कल तो कन्फर्म है, कल तो जाना ही जाना है मुझे किसी भी हालत में, लेकिन मौसम का अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं स्कूटी में जाऊँगा, और अगर बादल लगे रहेंगे और बारिश वारिश होगी तो फिर जो गाइस स्कूटी में बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। तो गाइस फिलहाल मैं निकल रहा हूँ भाई काठूधाम के लिए, काठूधाम वाले जो SSB कैंटीन है ना वहाँ मुझे जाना है, तो चलिए गाइस चलते हैं। सो चलिए गाइस फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ काठूधाम अपनी जो कैंटीन है SSB वाली उसमें, और ये है मेरी गाइस फेवरेट रोड, सामने पहाड़ दिए कितना सुंदर दिखाई दे गाइस। और सच में गाइस मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल भी मौसम ऐसा ही रहे बिल्कुल खुला खुला एकदम, तभी गाइस मैं जा पाऊँगा रानीखेत अल्मोड़ा। सो चले गाइस ये आ गई हमारी SSB कैंटीन, ये स्कूटी लगाते हैं साइड में, चलते हैं इसके अंदर। सो चले गाइस हो गया SSB से काम पूरा, अब निकलते घर की तरफ, ये हमारी धनु रानी। चलिए जी वैसे गाइस पता मैं सोच रहा था कि अगर टाइम बचेगा ना तो यहाँ से रानीबाग जाऊँगा मैगी पॉइंट लेमन टी पीने के लिए, लेकिन टाइम बचा ही नहीं, तो अभी टाइम हुआ गाइस जिम जाने का, तो गाइस फटाफट से घर पहुँचते हैं अब। सो गाइस जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि यहाँ पर नुमाइश लगने वाली है और यहाँ बन रहा है ताजमहल, तो गाइस देखिए कुछ यहाँ पर बनने लग गया है, आधा अधूरा बन चुका है,
तो कुछ पार्ट बन चुका है, लेकिन ये ताजमहल जैसा तो लग नहीं रहा है मुझे। गाइस मेरे को लेना है नारियल, एक्चुअली संडे को बनाने वाले हैं इडली, उसके लिए मैं रवा इडली तो लेकर के आ गया हूँ कैंटीन से। आज नारियल की चटनी बनाएंगे तो नारियल ले लेते हैं। नारियल तो मेरे को मार्केट में मिलेगा तो मार्केट चलते हैं उसके लिए। सो गाइस नारियल वाले भैया यहीं के खड़े रहते हैं, ढूंढते हैं। चलिए। हाँ जी गाइस, जो सामने खड़े हुए दिख गए मुझे, कितने का है? चलिए गाइस नारियल ले लिया है, अब चलते हैं घर को। लेकिन उससे पहले मुझे चाचू के लिए लेने दवाई। जय श्री कृष्णा, सत्यनारायण भगवान की जय। और गाइस देखे शाम के टाइम पे आई लव हल्द्वानी कुछ ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सो गाइस यहाँ पर मुखानी में है GID मेडिकल स्टोर, वहाँ से लेते हैं दवाई चाचू के लिए। सो गाइस ये आया GID मेडिकल स्टोर। चले गाइस चाचू की मेडिसिन ले ली है, अब चलते हैं। और भाई ये देखिए, ये है मुखानी के हाल आजकल। चलो भैया चलो चलो। सो चले गाइस पहुँच गया घर की कॉलोनी में। सो चले गाइस पहुँच गया घर, लगाते हैं स्कूटी अंदर। हनी मेरे कुत्ते का बच्चा। चले गए फाइनली घर पहुंच गया हूँ और चेंज वेंज करते फटाफट से। गई जिम जाने का टाइम हो रहा है तो जल्दी से जिम पहुंचते हैं। और गए इसी के साथ साथ जो आज का व्लॉग है इसको मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। और गए जिम से आने के बाद मैं इसकी एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज मुझे जल्दी सो जाना है। कल मॉर्निंग में रानीखेत जाने का और अल्मोड़ा जाने का प्लान है। तो सब कुछ डिपेंड करता है गाइस मौसम के ऊपर। अगर मौसम अच्छा रहा तो सुबह सुबह निकल जाऊंगा 6 बजे। और गाइस जब लास्ट टाइम मैं गया था ना स्कूटी में तो सुबह 6 बजे निकला था मैं, और करेक्ट 9 बजे मैं रानीखेत पहुंच गया था। तो होप सो कल मौसम ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे और कल टाइम से मैं रानीखेत पहुंच जाऊँ। सो फिर गाइस आपने आज का मेरा व्लॉग देखा, तो व्लॉग की स्टार्टिंग देखी गाइस, ये बहुत डेंजर स्टार्टिंग हुई आज की व्लॉग की। मतलब चाचू सीढ़ियों से गिर गया नीचे, वो तो अच्छा हुआ गाइस कि जो गमले वहाँ पर रखे हुए ना उसमें टकरा करके थोड़ा सा बच गया, अदरवाइज गमले वगैरह नहीं तो पता नहीं वो कहाँ गिरता। और सच में गाइस बड़ी मतलब खतरनाक मॉर्निंग थी आज की, अनएक्सपेक्टेड। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कभी ऐसा भी हो जाएगा करके। तो गाइस हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ना वहाँ पर सीढ़ियों में गेट लगा दिया जाए, ताकि फ्यूचर में और भी बच्चे हमारे किराए में रहते हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत वगैरह ना आए, चाचू है उसको कोई दिक्कत ना आए। सो फिर चलिए गाइस आज का जो व्लॉग है यहीं पर एंड कर रहा हूँ। सो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते कल आपसे एक नए और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चाचू ये क्या है? दूध रोटी।